आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपके चेहरे के दाग धब्बे व पिंपल्स को ख़त्म करेगा, साथ ही आपके चेहरे को गोरा, चमकदार व सुंदर बनाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि काले रंग का व्यक्ति अपनी त्वचा को गोरा करने के लिए पार्लर व महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो चेहरे को गोरा करने के बजाय काले करने का काम करते हैं। सच माने तो हम अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए घरेलू उपाय का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर व रसोई में भी ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपनी रंगत में फर्क ला सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या में इन उपायों का प्रयोग करने के लिए समय नहीं है। यह ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से कम समय में आप काली त्वचा से सफ़ेद त्वचा व गोरी त्वचा पा सकते हैं। जानते हैं काले से गोरा होने के घरेलू उपाय के बारे में। इन उपाय से एक निखरी त्वचा आप पा सकते हैं दोस्तों, और इन नुस्खे के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक नुस्खा है। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो है बेसन। दोस्तों बेसन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन को गोरा बनाती हैं, साथ ही आपके स्किन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, साथ ही आपके चेहरे पर जो पिंपल्स पाए जाते हैं उन पिंपल्स को दूर करती है, आपके चेहरे पर जो रिंकल्स पाए जाते हैं बेसन उन रिंकल्स को भी दूर करती है, साथ ही आपके चेहरे पर को मुलायम करने में भी मदद करती है, आपके चेहरे को मुलायम करती है और ब्लीचिंग करने का काम करती है, साथ ही आपके चेहरे पर जो गंदगी जमा हो जाती है उस गंदगी को भी दूर करने में मदद करती है। तो दोस्तों मैंने इसमें एक चम्मच के बराबर बेसन ले लिया है। इसमें जो अगली चीज़ लेंगे दोस्तों, नींबू। नींबू एक ऐसी प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं नींबू में जो आपके चेहरे को ब्लीचिंग करते हैं, आपके चेहरे से टॉक्सिन को निकालने में मदद करते हैं, साथ ही इसमें अमीनो अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल आपको एक निखरी हुई त्वचा पाने में मदद करते हैं, साथ ही आपके चेहरे को काले से गोरा बनाने में मदद करते हैं। साथ ही नींबू के रस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके चेहरे पर जो पिम्पल्स रहते हैं उन पिम्पल्स को दूर करती है, और आपके चेहरे पर या शरीर में जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उन टॉक्सिन को भी निकालने में मदद करती है। तो मैंने आधा नींबू इस प्रकार काट लिया है। इस आधे नींबू को आपको इस बेसन में ऐड कर देना है पूरा, जिससे ये अच्छी तरीके से बेसन है वो घुल जाए नींबू में। तो दोस्तों मैंने इसमें नींबू को ऐड कर दिया है। अब इसमें जो अगली चीज़ दोस्तों हम ऐड करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे हम कहते हैं गुलाब जल। गुलाब जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके चेहरे को निखरा हुआ बनाने में मदद करती हैं, साथ ही ये आपके चेहरे को ब्लीचिंग का काम करती हैं, आपके चेहरे को साफ करती हैं, साथ ही आपके चेहरे को मुलायम बनाने में मदद करती हैं। साथ ही गुलाब जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके चेहरे को काला से गोरा बनाने में मदद करता है, साथ ही आपको जो सन टंस पड़ जाते हैं उन सन टंस को भी रिपेयर करती हैं, साथ ही रोज़ वाटर आपके जो डेड सेल हो जाते हैं शरीर के या त्वचा के चेहरे के उस डेड सेल को रिपेयर करने में भी मदद करती है। साथ ही रोज़ वाटर आपको एक निखरी हुई त्वचा देगी और आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स और रिंकल्स उन समस्या को भी दूर करेगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच बराबर हम इसमें गुलाब जल को ऐड कर देंगे, एक चम्मच के बराबर। आप चाहें तो ज़्यादा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बेसन अच्छी तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों हमने इसमें कर दिया। अब इसको एक पेस्ट बना लेना है कुछ इस प्रकार का, जिससे ये एक पतला पेस्ट बन जाए। तो दोस्तों हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों यह नुस्खा इतना कारगर है कि मात्र एक ही बार के उपयोग से आपके चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी और आपका चेहरा निखरा हुआ, बेदाग और धब्बा रहित होगा। साथ ही आपके चेहरे पर जो पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है वह पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मिलाइए, जिससे ये आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इस प्रकार आपको अपने चेहरे पर लेना है इस पेस्ट को और इस पूरे चेहरे पर इसको इस प्रकार अप्लाई कर देना है। इस प्रकार इसको अप्लाई करिए और 2 से 3 मिनट तक हल्की हाथों से मसाज करिए। जब ये मसाज पूरी हो जाए तो इस नुस्खे को सूख जाने दीजिए। जब ये नुस्खा सूख जाए तो 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिएगा। आप देखेंगे कि एक ही बार के उपयोग से आप एक निखरी हुई त्वचा पाएंगे, साथ ही आपके चेहरे पर जो पिंपल्स रिंकल्स की समस्या है वो दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा। इसका सप्ताह में केवल 3 बार उपयोग करना है और 3 बार उपयोग करने के बाद आपके चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है वो पूरे तरीके से दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।